हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिनो स्टेशन में। और आज हम बात करेंगे कि जो एफडी बेसिस क्रेडिट कार्ड होते हैं उसके अंदर आपकी क्रेडिट लिमिट है वह इंक्रीज़ होती है या फिर नहीं। तो मुझे भी ये चीज़ पता नहीं था पहले, लेकिन मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है तो मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताऊँगा कि उसकी जो क्रेडिट लिमिट है वो इंक्रीज़ आपकी होगी या फिर नहीं। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर कम होता है या फिर होता ही नहीं है, तो वो लोग क्रेडिट कार्ड कैसे लें और वो कैसे अपनी लिमिट इंक्रीज़ कराएँ। क्योंकि जब तक आपका क्रेडिट स्कोर है नहीं तब तक आप कोई क्रेडिट कार्ड आपको कोई ऑफ़र करता नहीं है, आपको मिलता नहीं क्रेडिट कार्ड। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप एफडी बेसिस क्रेडिट कार्ड आप बनवाएं, उसके बाद धीरे धीरे उसकी आपकी क्रेडिट लिमिट भी आपकी इंक्रीज़ होती है। तो मेरी आज ही लिमिट इंक्रीज़ हुई है, तो उसके लिए मुझे मेल आया था, उसके थ्रू वो हुई है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने ये क्रेडिट कार्ड लिया था एक साल पहले, कोटक का ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड। इसको एक साल हो चुका है और इसमें मैंने एफडी कराई थी 45,000 की, जो कि एफडी कराई थी 45 की और मुझे क्रेडिट लिमिट मिली थी 40,000 की। तो कुछ उसका 90% ऐसा कुछ मिलता है, तो वो मुझे 40,000 की उसमें क्रेडिट लिमिट मिली थी। लेकिन मुझे अभी कुछ दो चार दिन पहले मैसेज आया कि आपकी लिमिट आपकी 1,00,000 कर दी जाएगी। तो मैंने उस पर क्लिक किया, मतलब मेल आया था वो मेरे पास, और उसके अंदर मुझे क्लिक करके उसको वेरीफाई करना था कि हाँ ये मुझे करना है। तो उसके बाद मेरी जो क्रेडिट लिमिट है वो 1,00,000 रुपीज़ हो गई। तो ऐसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि बहुत लोग होते हैं परेशान कि एफडी बेसिस क्रेडिट कार्ड हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो लेने से जो है कि हमारा पैसा भी उसमें जाएगा। लेकिन उससे क्या आपके मतलब बैंक को भी होता है ट्रस्ट कि हाँ इस बंदे के पास पैसा है और वो बैंक के पास सेफ है, तो आपको दे सकते हैं। इसे हम बोलते हैं कि सिक्योर्ड लोन बोलते हैं, सिक्योर्ड लोन की तरह है ये एक। तो इसके अंदर आपका कुछ अमाउंट आपका एफडी के बेसिस पर रहता है उसमें। लेकिन उससे क्या फ़ायदा है कि आपको एफडी का रिटर्न भी मिलेगा, क्योंकि अभी कोटक के अंदर देखिए 7.2% एनुअली रिटर्न आता है एफडी का, जो कि बहुत अच्छा है। एनुअली नहीं मतलब 365 दिन है तो 370 मतलब 12 मंथ और 25 डेज ऐसा कुछ है, उसमें आपको 7.2% का आपको रिटर्न मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है रिटर्न अभी अगर देखा जाए तो। क्योंकि ज़्यादातर सब जगह पे अभी 5-6% था, अभी इस बार अभी इंक्रीज़ हुआ है 1-2 महीने पहले ही, तो अभी आपको अच्छा उसमें रिटर्न मिलेगा। और उस बेसिस पे आपको अगर आप एफडी कराएंगे उस पे आपको क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा, तो उससे अच्छी बात क्या है। तो आप उसको यूज़ भी कर पाएंगे, वो आपके पास पैसा भी है, वो इंक्रीज़ भी हो रहा है, और उसी पैसों को आप उसी बेसिस पे जो आपको क्रेडिट कार्ड मिला है उसको आप यूज़ भी कर पा रहे हैं। और इसके अंदर आपको आपको अगर आप साल में 75,000 आप खर्च करते हैं तो आपको 750 रुपये आपको जो कोटक का क्रेडिट कार्ड है उसमें माइलस्टोन के रूप में आपको वो मिलता है, तो उसमें आपको 750 रुपीज़ आपको वो मिलता है। तो ये भी चीज़ अच्छी है, और ये आपका लाइफ टाइम फ्री रहेगा क्रेडिट कार्ड, कोई इस पर चार्ज नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ चार्ज नहीं होता। तो एफडी बेसिस का ये होता है कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता, सारे फ्री होते हैं वैसे। तो ये है, और इसका आपको अकाउंट भी फ्री में खुलता है, और अकाउंट भी आप ऑनलाइन खुला सकते हैं, उसमें एफडी भी आप ऑनलाइन करा सकते हैं। उसके बाद आप इसको यूज़ करिए, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, और आप इसके ऊपर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी आप इंक्रीज़ कर पाएंगे, और साथ ही साथ इसमें आपकी लिमिट भी इंक्रीज़ होती रहेगी, तो आपको और भी जो क्रेडिट कार्ड है उनके ऑफ़र भी आपको आएंगे। तो ये था मेरा वीडियो, तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न था इसलिए मैंने ये चीज़ बनाई, क्योंकि ये बहुत कम लोग जानते कि इस पर भी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ होती है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि एफडी है तब तक ही आपका जो है उतनी ही आपकी आपको लिमिट मिलेगी, और मैंने इसीलिए एक और एफडी कराई थी वैसे कि मैं उसके ऊपर अपनी लिमिट इंक्रीज़ करा पाऊँगा। पहले 45,000 की थी, अभी मैंने 30,000 की और कराई थी, क्योंकि इंटरेस्ट भी अच्छा था इसलिए तो मैंने कराया। लेकिन उसके लिए एक फॉर्म भरना होता है, वो फॉर्म भरने के बाद उसमें आपको डिटेल मेंशन करनी होती कि ये मेरी एफडी है, इसको भी ऐड करके मेरी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ की जाए, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास मेल आया कि आपकी लिमिट इंक्रीज़ कर दी जाएगी, तो ऐसा ये हो गया। तो मुझे भी ये चीज़ थोड़ी शॉकिंग लगी, थोड़ा अच्छा भी लगा कि ऐसा होता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट है उनके लिए तो ये बेस्ट चीज़ है, जिनका अभी क्रेडिट स्कोर अभी बना ही नहीं है, सिविल जिनका बना ही नहीं है या फिर कम है, तो वो लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।